नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित सिंगल और मैं हूं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आरएएस मेंस का 2018 का फिफ्थ लेक्चर। क्योंकि आपको पता है कि मैं आपकी पूरी सीरीज बना रहा हूं, मैंने अभी तक 4 लेक्चर बना चुका हूं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो प्लीज एक बार देख लेना, ताकि आपकी सीरीज कंटिन्यू हो जाए और आप 2018 मेंस में अच्छे से आंसर लिख पाएं एग्जाम में। ना केवल ये 2018 मेंस के लिए काम आएंगे, इवन अगर कभी भी मेंस होता है अपना तो मतलब बाद में भी ये काम आएंगे ना, हमेशा के लिए। क्योंकि ये 2016 में आपको पता है कि आरएएस का जो मेंस का सिलेबस है वो पूरा चेंज हो गया था और उसमें कॉमर्स के 2 पोर्शन जुड़े हैं। एक तो मैनेजमेंट नाम से जुड़ा है एक पोर्शन और एक जुड़ा है अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। ठीक है, तो क्योंकि हम लोग सीए हैं तो हम लोग कॉमर्स ही पढ़ते रहते हैं और पढ़ाते रहते हैं, तो यही हमारा काम रहता है। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि आपको ये सब चीज़ें प्रोवाइड कर देते हैं, ताकि आपका भी एकदम बिल्कुल एग्जाम में आप बिल्कुल सटीक तरीके से आंसर लिख पाए। देखो दोस्तों, आज अपन डिस्कस करेंगे पेपर 1 का यूनिट नंबर 3 का पार्ट बी, जो अपन डिस्कस कर रहे थे अभी शुरुआत के 4 क्लासों के अंदर, मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का आज अपन देखेंगे टॉपिक कौन सा, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन को हिंदी में बोलते हैं संपदा। वेल्थ मतलब क्या होता है, संपदा, अधिकीकरण। ठीक है, संपदा अधिकीकरण। ये टॉपिक है तो टेंशन मत लो, अपन क्या है वैसे भी इसको पूरा डीप में समझेंगे अच्छी तरीके से। तो हिंदी में कुछ समझ में आए या नहीं आए, लेकिन आपको मेरी बातें बिल्कुल समझ में आ जाएगी। देखो, मैनेजमेंट के 3 डिसीजंस होते हैं, मैनेजमेंट के 3 निर्णय होते हैं जो मैनेजमेंट को लेने पड़ते हैं। सबसे पहला इन्वेस्टमेंट डिसीजन, या पहला लेते हैं फाइनेंस डिसीजन, दूसरा ले लेते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन और तीसरा ले लेते हैं डिविडेंड डिसीजन। हैंड टू हैंड नोट्स बनाते रहना, क्योंकि मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं उसके बाद आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है फिर दोबारा। ये टॉपिक इतना ही है और इतना ही पढ़ना है अपन को एग्जाम में। आपको कोई इस पर पीएचडी नहीं करनी नहीं है, बुक लिखनी नहीं है अपने को एग्जाम में, जहाँ से यार 200-300 वर्ड मैक्सिमम, 100-200 वर्ड लिखने के लिए बोल सकता है। तो मैं आपको जो 300-400 वर्ड्स के बारे में पूरा बता रहा हूँ, है ना। तो अगर आपको उसमें से, मेरे को पता है कि आप 200 वर्ड आराम से याद कर लोगे जितना बता रहे हैं और समझ भी लोगे अच्छी तरीके से, ठीक है, तो आप आराम से अच्छा आंसर एग्जाम में लिख सकते हो, चाहे हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं आपको वो टर्म्स जो है वो दोनों में बताते जा रहा हूँ, है ना। ठीक है, बताओ मैनेजमेंट के डिसीजन कितने होते हैं, 3। सबसे पहला डिसीजन कौन सा होता है, फाइनेंस, दूसरा इन्वेस्टमेंट, तीसरा डिविडेंड। ये फाइनेंस डिसीजन क्या होता है, देखो कोई मैनेजमेंट क्या कर रही है, बिजनेस स्टार्ट करने की बातें चल रही है। ठीक है, मैनेजमेंट क्या कर रही है, बिजनेस स्टार्ट कर रही है या बिजनेस स्टार्ट कर चुकी है। अब बिजनेस स्टार्ट करते समय किसकी आवश्यकता पड़ती है, सबसे पहले कैपिटल की। जब भी आप व्यापार स्टार्ट करोगे तो आपको आवश्यकता किसकी पड़ेगी, कैपिटल या फिर पूंजी की। जो कैपिटल होती है वो बिजनेस में किसके समान होती है, जैसे अपने शरीर में ब्लड है, खून है, आपके शरीर में ब्लड है, वैसे ही बिजनेस के शरीर में क्या, बिजनेस के अंदर क्या है, कैपिटल। अगर बिजनेस के पास कैपिटल नहीं होगी तो बिजनेस मर जाएगा। ठीक है, जैसे अपने शरीर के अंदर अगर खून निकाल दिया जाए सारा का सारा, तो अपन क्या है, मर जाएंगे, वैसे ही बिजनेस के साथ होता है। तो बिजनेस को पैसे चाहिए होते हैं, तो पैसे बिजनेस कहां कहां से ले सकता है, मैंने आपको पहले 4 क्लासों में बताया था, 2 सोर्स होते हैं, एक तो डेप्ट और एक इक्विटी। डेप्ट मतलब क्या होता है, ऋण, ऋण मतलब लोन। ठीक है, डेप्ट मतलब क्या होता है, ऋण, ऋण मतलब लोन। लोन लेते हैं ना कई बार अपन, विजय माल्या लेके भाग गया था, नीरव मोदी, ठीक है, तो ऐसे बहुत बड़े बड़े लोग हैं। अभी रोटोमैक का मालिक, जो रोटोमैक पेन अपन यूज करते थे बचपन में, उसने भी कुछ गपलेबाजी करी थी, फिर बाद में उन्होंने वीडियो बनाया, यूपी के थे वो। ठीक है, इक्विटी मतलब क्या होता है, मालिकों का पैसा। तो कंपनी क्या करती है, अपन कंपनी की बात करेंगे क्योंकि अपने कोर्स में मेन कंपनी होती है। तो कंपनी क्या करती है, कंपनी को जब लोन लेना होता है तो कंपनी या तो सोचती है, वो लोन मतलब पैसा चाहिए होता है बिजनेस के लिए, तो 2 तरीके हैं, या तो वो पैसा उधार ले ले या फिर वो खुद का लगाए। खुद का लगाए मतलब इक्विटी मतलब क्या होता है, शेयर। शेयर को हिंदी में क्या बोलते हैं, अंश। ठीक है, इक्विटी कौन होते हैं, मालिक।
इक्विटी बिजनेस के अंदर कौन होते हैं? मालिक। और ये कौन होते हैं? बाहर वाले। डेप्ट कौन होते हैं? बाहर वाले। ये सब मैंने आपको पहले वाली क्लास में बता रखा है। अगर आपने पहले वाली क्लास नहीं भी देखी है तो भी आप अगर डायरेक्ट ये समझना चाहते हो, टॉपिक नहीं समझना चाहते तो भी आप आराम से वो क्लास देखने की जरूरत नहीं है फिर आपको, ठीक है। लेकिन हाँ, वैसे उस क्लास को देख लोगे तो फिर आपको मेंस में आंसर लिखने में बढ़िया रहेगा। तो कैपिटल अपने दो सोर्स से ले सकते हैं, डेप्ट से और इक्विटी से। डेप्ट मतलब क्या होता है कि लोन लेना, ठीक है। अगर अपन लोन लेते हैं तो उन पे क्या पे करते हैं? ब्याज। लोन पे अपन क्या पे करते हैं? ब्याज, ठीक है। लोन के साथ दिक्कत क्या है? टाइम टू टाइम अपन को लोन को चुकाना पड़ता है रेगुलर रूप से। अपन लोन का डिफॉल्ट करेंगे तो फिर बैंक वाले अपने घर पर आ जाएंगे, बोलेंगे लाओ पैसे दो, तुमने लोन लिया था, अपन ने कुछ उनको चीजें गिरवी रखी होगी, वो उसको उठा के बेच देंगे। तो लोन में बहुत सारी टेंशन है, ठीक है। दूसरी बात क्या है? इक्विटी। इक्विटी कौन होता है? मालिक। शेयर, अगर कोई कंपनी शेयर बेचती है। शेयर क्या होता है? शेयर मतलब एक पेपर, मान लो आप, तो मान लो मैं आपको पेपर दे देता हूं एक और आपसे उसके बदले पैसे ले लेता हूं, तो आप क्या बन जाओगे? मेरी कंपनी में मालिक बन जाओगे। शेयर से क्या आती है? हिस्सेदारी, ठीक है। तो जैसे ही जो भी पर्सन, जो भी व्यक्ति शेयर खरीदता है वो उस कंपनी के अंदर मालिकाना हक रखता है, ठीक है। अगर आपने मेरी कंपनी के 100 में से एक शेयर खरीद लिए, 1 शेयर 100 में से, तो आपने कितने परसेंट शेयर खरीद लिए? 1%। तो आप मेरी कंपनी के अंदर कितने परसेंट हिस्से रखते हो? 1, ठीक है। आप मालिक हो लेकिन आपका इतना बड़ा कंट्रोल नहीं है। नियंत्रण कब आएगा? जब आपके 50% से ज्यादा शेयर होते, लेकिन आप फिर भी मालिक कहलाओगे, ठीक है। और क्योंकि आपने मेरे को पैसे दिए हैं, है ना, आपने मेरे को कैपिटल दी है, और कैपिटल किस रूप से दिए? शेयर खरीद के दी है। तो मैंने बिजनेस के अंदर वो पैसा इन्वेस्ट किया होगा। उस बिजनेस के अंदर पैसा इन्वेस्ट करने के बाद जब पूरा पैसा कमाऊंगा मैं पूरा का पूरा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट करेंगे तो कुछ कमाएंगे, तो पूरे ईयर के एंड में मैं आपको क्या दूंगा? उसमें से कुछ पैसा रिटर्न करूंगा, और उस रिटर्न को बोलते हैं डिविडेंड, ठीक है। वापस बता देता हूं बिल्कुल शॉर्ट में। होता क्या है कि आपने मुझे पैसा दिया बिजनेस करने के लिए, मैंने उस पैसे को बिजनेस में लगा दिया, ठीक है। वो पूरे साल भर बिजनेस के अंदर घूमता रहा पैसा। मैंने क्या जनरेट किया? लाभ, प्रॉफिट जनरेट किया। और फिर जैसे ही मेरे पास प्रॉफिट आया तो आप मेरे पास आ गए, बोले यार मैंने आपको पैसा दिया था, मैं मालिक हूं, तो लाओ मेरे को कुछ दो। तो मैंने आपको उस प्रॉफिट में से आपका हिस्सा दे दिया। मान लो मैंने 1,00,000 रुपए कमाए, क्योंकि आप मेरे कंपनी के अंदर 1% की हिस्सेदारी रखते थे, तो 1,00,000 का 1% कितना होता है? 1,000, है ना। तो मैं आपको 1,000 रुपए दे दूंगा, ठीक है। तो ये चीज क्या कहलाती है? ये चीज कहलाती है डिविडेंड। जो मैंने आपको पैसा दिया उसे बोलते हैं डिविडेंड, लाभांश। अब आपको ब्याज नहीं मिलेगा, ठीक है। देखो दोनों में फर्क है। लाभ, क्योंकि आप मेरी कंपनी के में मालिक हो, तो मालिकों को कब हिस्सा मिलेगा? जब मुझे प्रॉफिट होगा, ठीक है। अगर मेरी कंपनी को प्रॉफिट ही नहीं हुआ तो फिर मैं आपको क्यों हिस्सा दूंगा, ठीक है। लेकिन अगर आप बाहर वाले होते, मैंने आपसे लोन ले रखा होता, ऋण ले रखा होता, तो फिर मुझे आपको पेमेंट करना ही पड़ता, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। उस पेमेंट को अपन क्या बोलते हैं? ब्याज। उस पेमेंट को अपन क्या बोलते हैं? ब्याज, ठीक है। तो डिबेंचर या डेप्ट, डेप्ट बोल लो डिबेंचर बोल लो, एक ही बात है। तो डेप्ट पे कंपनी क्या पे करती है? ब्याज। लेकिन शेयर पे कंपनी क्या पे करती है? लाभांश, डिविडेंड। समझ में आ गई? तो पहला डिसीजन क्या होता है बिजनेसमैन का? सबसे पहला डिसीजन होता है कि वो पूंजी कहां से ले। उसके माइंड में क्या आ रहा है? या तो वो पूंजी ले डेप्ट से, और या फिर वो पूंजी ले इक्विटी से, ठीक है। दोनों के अलग अलग अपने अपने फायदे नुकसान होते हैं, ठीक है। डेप्ट जो होते हैं वो मालिक नहीं होते, लेकिन शेयर होल्डर जो होते हैं कंपनी के, क्या होते हैं? मालिक होते हैं। शेयर होल्डर को क्या मिलते हैं कंपनी में? याद करो, वोटिंग राइट, वोट देने का अधिकार मिलता है। लेकिन डिबेंचर होल्डर को, या ऋण पत्र, ये ऋण, ऋण बोलते हैं इसको, ऋण, है ना, इनको वोट देने का अधिकार नहीं मिलता। सेकंड पॉइंट, सेकंड डिसीजन कौन सा होता है? इन्वेस्टमेंट डिसीजन। फर्स्ट डिसीजन कौन सा हो गया? फाइनेंस। अब अपन ने, मैंने आपसे पैसा उधार ले लिया, या फिर आपको मैंने अपना शेयर बेच दिया, ठीक है। तो कुल मिला के मेरे पास पैसे आ गए, चाहे वो मैंने डिबेंचर लिया हो चाहे मैंने शेयर लिया हो, कुल मिला के मेरे पास पैसे आ गए। अब उस पैसे का मुझे करना क्या है? अब मैं उस पैसे को बिजनेस में लगाऊंगा। अब मैं उस पैसे, ये जो पैसा लिया था मैंने फाइनेंस,
फाइनेंस को हिंदी में पता है क्या बोलते हैं? वित्त, है ना। कभी आपने देखा होगा, कई बार बोलते हैं ना वित्त मंत्री, तो फाइनेंस मिनिस्टर। तो अब मैं उस बिजनेस के अंदर उस पैसे को लगाऊंगा, इन्वेस्ट करूंगा, ठीक है। तो अब इन्वेस्टमेंट में भी लेकिन बहुत सारे झोल हैं, ध्यान रखना। जैसे ऑप्शंस कहाँ पे थे, लोन लेने सब, मतलब पैसे लेते समय ऑप्शन थे ना, डेब्ट और इक्विटी, वैसे ही पैसे को इन्वेस्ट करते समय भी कई सारे ऑप्शन आते हैं। ध्यान समझो कैसे। आपके सामने दो मशीन है, एक ए मशीन है, एक बी मशीन है। अच्छा ये बताओ, पैसे अपन ले क्यों रहे हैं? फाइनेंस ले क्यों रहे हैं? क्योंकि अपन उसको बिजनेस में लगाएंगे। बिजनेस में लगाएंगे मतलब मशीन खरीदेंगे, फर्नीचर खरीदेंगे, कोई प्रोजेक्ट में लगाएंगे, होटल खरीदेंगे, है ना, या हॉस्पिटल खरीदेंगे, या स्कूल डाल लेंगे। तो ये सब क्या होते हैं? प्रोजेक्ट होते हैं। तो जैसे मान लो अपन अपने जो पैसा है वो अपन ने लोगों से कितने रुपए लिया, 1,00,000 रुपए लिया टोटल। मैंने कंपनी चालू करी और मैंने पैसा ले लिया आप लोगों से 1,00,000, चाहे वो डेब्ट से ले लिया चाहे इक्विटी से ले लिया, वो मैंने डिसीजन लिया है ना। अब वो पैसे को मुझे बिजनेस में लगाना है, ठीक है। अब मेरे सामने दो ऑल्टरनेटिव है, ठीक है। मान लो मुझे पैसा लगाना है होटल बिजनेस के अंदर, या फिर मुझे लगाना है हॉस्पिटल बिजनेस के अंदर। मैं सोच रहा हूं कि मैं होटल खोलूं कि हॉस्पिटल खोलूं, एग्जांपल ले लो, ठीक है। या फिर मान लो मैंने डिसीजन ले लिया कि मैं होटल खोलूं या हॉस्पिटल खोलूं। अब मान लो लेकिन मैं सोच रहा हूं कि मैं कौन सी मशीन खरीदूं, ए मशीन खरीदूं होटल के लिए कि बी मशीन खरीदूं, या होटल के लिए कहीं पे किस जगह पे जमीन खरीदूं, होटल के लिए दिल्ली में जगह खरीदूं या होटल के लिए जयपुर में जगह खरीदूं, ठीक है। तो ये मेरे सामने दो ऑल्टरनेटिव आ गए, दो विकल्प आ गए। अच्छा दोनों के फायदे नुकसान देखते हैं। ईयर 1, 2, 3, पहले साल में मुझे, जब अगर मैं पहले विकल्प पे, ए विकल्प पे अगर चुनूंगा तो मुझे पैसे मिलेंगे 60,000, फिर 70,000 और फिर 80,000, ठीक है। दूसरे विकल्प पे मिलेंगे 80,000, 60,000 और 70,000। जरा बताना तो टोटल कितना होगा तीनों का। ये कितना होता है? 2, 10 और ये भी कितना होगा? 2, 10, ठीक है। अब तुम सोच रहे होंगे सर क्या मजाक कर रहे हो, इसको उल्टा लिख दिया आपने। अब मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछता हूँ, ये 2, 10 ही आ रहा है टोटल, हाँ ठीक है। अब मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछता हूँ, आपको 1,00,000 रुपए लगाने हैं, ठीक है ना। आपने 1,00,000 रुपए ले लिए, अब आपको 1,00,000 रुपए बिजनेस में निवेश करने हैं। आप ए प्रोजेक्ट में निवेश करोगे, ए प्रोजेक्ट में निवेश करोगे कि बी प्रोजेक्ट में निवेश करोगे? आप दिल्ली वाले होटल पे पैसा लगाओगे, दिल्ली में होटल के लिए जमीन खरीदोगे कि जयपुर में होटल के लिए जमीन खरीदोगे? या आप होटल के लिए पैसा लगाओगे या फिर हॉस्पिटल के लिए पैसा लगाओगे? तो बताओ ए और बी कौन सा अच्छा है? आप कहोगे सर दोनों बराबर हैं, ठीक है, आप कहोगे दोनों बराबर हैं, लेकिन दोनों बराबर नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है बराबर? आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि आप आरएस मेंस कर रहे हो, तो आपको समझ में आ जाएगा क्यों। क्योंकि देखो आपको कौन सा सही लगेगा? आपको सही लगेगा बी। क्यों? क्योंकि बी में पैसा क्या हो रहा है? जल्दी रिकवर हो रहा है, ठीक है। हो तो 3 साल में रहे दोनों पैसे रिकवर, लेकिन ए के केस में पैसा पहले साल में कितना रिकवर हो रहा है? 60। बी के केस में पैसा कितना रिकवर हो रहा है? 80। अपन ने जब इकोनॉमिक्स पढ़ी है, कभी भी आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी तो आपने एक कॉन्सेप्ट समझा होगा, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? मुद्रास्फीति, मतलब कि मनी की वैल्यू कम होना या फिर मार्केट में चीजों के दाम बढ़ना, है ना। जब अगर मार्केट में चीजों के दाम बढ़ते हैं तो फिर मनी की वैल्यू क्या हो जाती है? कम हो जाती है। आपने सुना होगा दोस्तों के जिम्बाब्वे जैसी कंट्री है ना, वहां पे मतलब इतनी ज्यादा मनी की वैल्यू डाउन हो चुकी है कि वहां पे एक कप चाय खरीदने के लिए भी क्या करना पड़ता है, पूरा ट्रक भर के पैसे लेके जाने पड़ते हैं। सोचो आप, ये मजाक नहीं कर रहा मैं आपको, वहां पे इतनी मनी की वैल्यू डाउन हो गई है। उसका रीजन क्या है? इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति, ठीक है। इन्फ्लेशन के कारण यही होता है कि बिजनेस के अंदर, सॉरी इकोनॉमी के अंदर, अर्थव्यवस्था के अंदर आपकी जो मनी की वैल्यू है वो खत्म हो जाती है।
अपन बचपन में कहते थे अपने घर वाले, ₹500 का पहले हमारे घर पे वो एक एक किलो घी मिल जाता था, ठीक है ना। आज वही चीज 500-500 रुपए मिल रही है। तो रीजन क्या कि घी महंगा हो गया, मतलब कि जो रुपया है उसकी पावर कम हो गई, ₹5 की पावर क्या हो गई, कम हो गई। तभी तो गवर्नमेंट धीरे धीरे 54-58 जो है वो खत्म करती जा रही है। हो सकता है 10-20 साल बाद एक ऐसा समय जब ₹1 का सिक्का भी गवर्नमेंट खत्म कर दे, फिर धीरे धीरे ₹10 का भी नोट खत्म हो जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि मनी की वैल्यू क्या होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है। आपके जेब में जो ₹100 रखे हैं वो 10 साल पहले उसकी वैल्यू बहुत अच्छी थी, लेकिन आज उसकी वैल्यू क्या हो चुकी है, बहुत कम हो चुकी है। पहले अपन लोग क्या करते थे, अपने घर वालों के मतलब ₹1 मिल जाते थे एक दिन के, तो वो बहुत बढ़िया थे भाई। ₹1 से अपन टॉफी खरीद लाते थे, काम चल जाता था। आजकल के बच्चे को आप ₹1 दोगे छोटे बच्चे को, तो वो आपको वापस दे देगा, बोलेगा भाई ₹10 मेरी तरफ से रख ले, ठीक है। तो वो चीज क्या है, इन्फ्लेशन है। तो फर्स्ट ईयर के अंदर क्या हो रहा है, आप देखो कि पैसे ज्यादा मिल रहे हैं तो अच्छी बात है, समझ में। तो कौन सा प्रोजेक्ट अपन खरीदेंगे, प्रोजेक्ट नंबर बी, ध्यान रखना। तो इन्वेस्टमेंट करते समय भी अपन को क्या लेने पड़ते हैं, कुछ ना कुछ डिसीजन लेने पड़ते हैं कि किस जगह अपन ने इन्वेस्ट करेंगे। तो ये बहुत सिंपल सा एग्जांपल दिया मैंने ताकि आपको समझ में आ जाए, वरना तो ये बहुत अपने आप में अगर सीए के हिसाब से पढ़ोगे तो ये बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन आपको सीए करना नहीं है तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तीसरा डिसीजन कौन सा होता है, डिविडेंड डिसीजन। पहले डिसीजन में अपन ने क्या चेक किया, लोन कहां से लेना चाहिए सबसे सस्ता, दूस और बाकी सारी बातें भी चेक करेंगे ना। दूसरे डिसीजन में अपन क्या चेक कर रहे हैं कि अपन को पैसे कहां पे इन्वेस्ट करने चाहिए जिससे अपन को सबसे ज्यादा फायदा हो। तीसरा डिसीजन क्या है, लाभांश, डिविडेंड, कंपनी कब डिविडेंड बांटे कब डिविडेंड नहीं बांटे, ठीक है। देखो अपन को पता होगा, मैंने आपको अगर आपने 4 क्लासेस स्टार्टिंग की देखी है तो मैंने बताया था कि कई बार कंपनियां डिविडेंड कई सालों तक नहीं बांटती है। क्यों? क्योंकि अगर कंपनी, देखो डिविडेंड मतलब कहां से बांटेगी कंपनी, जब कंपनी के पास प्रॉफिट होगा, ठीक है। कंपनी डिविडेंड अगर बांट देती है तो पैसा किसको मिल जाता है, शेयर होल्डर को, ठीक है। जैसे मान लो आपने मुझसे शेयर खरीदे, है ना, मैं एक कंपनी हूँ या मेरी एक कंपनी है, तो आपने मेरी कंपनी के शेयर परचेज कर लिए, ये मैंने आपको शेयर दे दिया, ले लो, ठीक है, और आपने मुझे इसके बदले पैसे दे दिए। फिर ये हुआ कि मैंने उस पैसे को बिजनेस में लगाया और उससे फिर प्रॉफिट कमाया, ठीक है। और प्रॉफिट कमाने के बाद आप मेरे पास आए ईयर के एंड में कि सर हमने आपको पैसे दिए थे, आपसे शेयर खरीदे थे आपकी कंपनी के, तो लाओ हमें हमारा हिस्सा दो। तो मैं कहता हूँ भाई ठहरो ठहरो, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि मैं अपने बिजनेस को और बढ़ाऊँ। मैं कह रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि मैं अपने बिजनेस को, मैं एक कंपनी हूँ और मैं चाहता हूँ मैं अपनी कंपनी को और बढ़ाऊँ, है ना। तो उसको बढ़ाने का तरीका क्या है, आप बोल रहे हो कैसे बढ़ाओगे सर। तो मैंने कहा मैं जो आपका डिविडेंड है वो आपको नहीं दूंगा, मैं उस पैसे को जो आपको डिविडेंड देना चाहिए था मैं उस पैसे को बिजनेस में वापस डाल देता हूँ। आप बोलोगे सर ये क्या बात हुई, मतलब हम तो बड़ी उम्मीद से आए थे कि आप साल के एंड में हमें डिविडेंड दोगे, लाभांश दोगे, लेकिन आप दे ही नहीं रहे, ये क्या बात हुई। तो मैं कहूँगा टेंशन मत लो, मैं बिजनेस के अंदर पैसा डालूंगा, ठीक है, और उस पैसे से जो मैं आप जो रिटर्न कमाऊंगा, जो फायदा होगा उससे आपको एक फायदा होगा। आपने बोला सर क्या फायदा होगा, तो मैंने कहा आपके जो शेयर है, क्योंकि आपने शेयर खरीदा था, ये मान लो शेयर है, कागज है ये मान लो, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, इस कागज की वैल्यू बढ़ जाएगी। क्योंकि जितना कंपनी डिविडेंड नहीं बांटती है उतना प्रॉफिट कंपनी अपने पास क्या करती है, इकट्ठा कर लेती है। जो कंपनी जिस नाम से प्रॉफिट इकट्ठा करती है उसे क्या बोलते हैं, रिजर्व्स, ठीक है। तो कंपनी जब प्रॉफिट को इकट्ठा करती है तो उसे क्या बोलते हैं, रिजर्व। तो बताओ, वापस बताओ, कंपनी डिविडेंड हमेशा बांटेगी क्या, नहीं। कंपनी कई बार क्या करती है, अपने पास प्रॉफिट को इकट्ठा कर लेती है, जब प्रॉफिट को इकट्ठा करती है तो उसे क्या बोलते हैं, रिजर्व्स बना लिया कंपनी ने। और रिजर्व बनाने का कारण क्या है, कि कंपनी देखती है कि यार अगर हम डिविडेंड बांटेंगे तो फिर हमारे पास खुद के पास पैसा कम हो जाएगा और हम बिजनेस में उसको निवेश नहीं कर पाएंगे। अगर हम बिजनेस में उस पैसे को निवेश कर देते हैं तो हमें जो रिटर्न मिलेगा उस रिटर्न में से हम किसको दे देंगे पैसा, शेयरहोल्डर को दे देंगे। और शेयरहोल्डर क्यों सेटिस्फाई रहता है, क्योंकि शेयरहोल्डर को लगता है चलो कंपनी डिविडेंड नहीं बांट रही तो क्या हुआ, लेकिन हमारे शेयर की वैल्यू क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। और शेयर की वैल्यू क्यों बढ़ रही है, मैंने बताया ना कि कंपनी जैसे जैसे प्रॉफिट कमाएगी तो कंपनी के शेयर की वैल्यू क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था पहले भी पिछले क्लासेस के अंदर, स्टीव जॉब्स, है ना, आपने नाम सुना है एप्पल कंपनी का। एप्पल कंपनी के जो सीईओ थे, फाउंडर थे, वो कौन थे,
स्टीव जॉब्स थे, स्टीव जॉब्स की जब तक डेथ नहीं हुई थी तब तक उन्होंने एप्पल कंपनी ने बिल्कुल भी डिविडेंड नहीं बांटा था। वो क्या करते थे, जितना भी प्रॉफिट होता था उस प्रॉफिट को बिजनेस में वापस लगा देते थे। तो उससे फायदा क्या होता था कि बिजनेस और ग्रो करता था, बिजनेस और ग्रो करता था तो उससे क्या होता था, जिन लोगों के पास उस कंपनी के शेयर होते थे उसकी वैल्यू क्या होती थी, बढ़ती थी। तो शोल्डर को कोई दिक्कत नहीं थी, शोल्डर कभी नहीं कहे आगे स्टीव जॉब्स को कि आप हमें डिविडेंड क्यों नहीं दे रहे, क्योंकि शोल्डर समझ रहे हैं कि स्टीव जॉब्स क्या कर रहे हैं, उस बिजनेस को, उस डिविडेंड को डिविडेंड ना बांट के, उस प्रॉफिट को डिविडेंड ना बांट के वो बिजनेस के अंदर ही क्या कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो आपको एग्जाम में तीन पॉइंट समझ में आए। पहला क्या है, हर बिजनेस को तीन डिसीजन लेने पड़ते हैं। पहला डिसीजन क्या होता है, फाइनेंस डिसीजन। फाइनेंस डिसीजन क्या होता है कि पैसे निकालना लोगों से, ठीक है, या बिजनेस, जब भी बिजनेस को पैसे इन्वेस्ट करने हैं तो वो पैसे लोगों से लेगा। और वो लोगों से लेने के कितने तरीके होते हैं, दो, पहला डेप्ट और दूसरा इक्विटी। डेप्ट मतलब क्या होता है, लोन, इक्विटी मतलब मालिकों का पैसा। डेप्ट पे कंपनी क्या पे करती है, इंटरेस्ट। इक्विटी पे क्या पे करती है, डिविडेंड। डेप्ट अगर होगा तो फिर क्या उनको वोटिंग पावर होती है क्या, नहीं। लेकिन वोटिंग पावर किसको दी जाती है, इक्विटी को, क्योंकि ये क्या होता है, मालिक। तो उनको क्या मिलती है, वोट देने का अधिकार कंपनी के अंदर। तो कंपनी में कोई भी डिसीजन होगा तो वोट देने का अधिकार किसको है, केवल मालिकों को, ये जानना। लेकिन ये वोटिंग पावर किसको नहीं होती है, डिवेंचर को नहीं होती है। दूसरा पॉइंट क्या है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। कंपनी ने जितना भी पैसा लोगों से लिया है उसको कैसे इन्वेस्ट करेगी, तो बिल्कुल ध्यान से। अगर अपन देखो आज आपके, अपन बचपन से देखते हैं, अपन लोग कभी भी घर पे है ना, मम्मी डिसाइड कर रही है, पापा डिसाइड कर रहे हैं कि फ्रिज खरीदना है, वॉशिंग मशीन खरीदनी है, टीवी खरीदना है, फर्नीचर खरीदना है। तो अपन लोग क्या करते हैं, अब आज ऑनलाइन का जमाना है वो तो छोड़ो, लेकिन पहले ऑफलाइन के टाइम पे क्या करते थे, चार पांच दुकानों पे जाते थे, ट्राई करते थे, सब चीज़ें चेक करते थे कि रेट कितनी है, कितने, जैसे मशीन खरीदनी है कितने केजी की मशीन है, कितने उसकी रेट है ना, क्या किलोग्राम है, सेमी ऑटोमेटिक मशीन है कि ऑटोमेटिक मशीन है, कि कैसी मशीन है, कौन सी कंपनी की है, सब चीज़ें चेक करते थे ना, क्योंकि अपन के पैसे अपन इन्वेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे तो सोचो बिजनेस क्या कर रहा है, किसी और के पैसे इन्वेस्ट कर रहा है ना, मतलब किसी और से पैसे लिए हुए हैं और उसको इन्वेस्ट कर रहा है बिजनेस के अंदर। तो वो चेक नहीं करेगा क्या कि भाई कहाँ पे अपन इन्वेस्ट करना चाहिए। तो वो चाहे भले ही दो होटल का एग्जाम्पल ले लो, या फिर एक होटल या हॉस्पिटल का, या फिर दो मशीन का एग्जाम्पल ले लो, बिजनेस कभी भी अगर इन्वेस्ट करेगा तो वो बिल्कुल सोच समझ के करेगा, ठीक है, इन्वेस्ट। फिर तीसरा, अगर इन्वेस्टमेंट करने के बाद कंपनी प्रॉफिट कमाएगी तो कंपनी प्रॉफिट, ये तीनों चीज़ें आपस में जुड़ी हुई है ना, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट कंपनी करने के बाद कंपनी प्रॉफिट कमाएगी तो बिजनेसमैन क्या सोचेगा अब, या कंपनी क्या सोचेगी कि हमें प्रॉफिट से डिविडेंड को बांटना चाहिए या नहीं बांटना चाहिए। कई बार कंपनी उस प्रॉफिट को खुद ही अपने पास रोक लेती है, ठीक है, और क्या बना देती है, रिजर्व बना देती है। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था इसका, स्टीव जॉब्स का, ध्यान रखना स्टीव जॉब्स ने कभी भी डिविडेंड नहीं पे किया जब तक वो जीवित थे, ठीक है। और इवन स्टीव जॉब्स क्या, बहुत सारी कंपनियां जो है वो डिविडेंड बिल्कुल भी नहीं पे करती। और शोल्डर को कोई भी दिक्कत नहीं होती क्योंकि शोल्डर बोलते हैं भाई हमारे तो शेयर की प्राइस बढ़ रही है ना, तो बस क्या दिक्कत है, डिविडेंड मिले या नहीं मिले हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब अपना टॉपिक क्या था, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन था ना। कंपनी को, कंपनी के मैनेजर को या कंपनी को सारे डिसीजन उस तरीके से लेने पड़ते हैं कि ये तीनों डिसीजन उस तरीके से लेने पड़ते हैं कि कंपनी का क्या हो, वेल्थ मैक्सिमाइज हो। वेल्थ मैक्सिमाइज मतलब कंपनी की जो संपदा है, कंपनी की जो संपदा, उसका अधिकीकरण हो, मतलब मैक्सिमाइजेशन हो, अधिकीकरण है ना, हिंदी में कहते हैं इसको संपदा अधिकीकरण, ठीक है। तो मात्रा वात्रा इधर उधर हो सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तुम देख लेना वो, तो बाकी सब ठीक है। तो कंपनी को अपने डिसीजन जो ये तीनों हैं ये कैसे लेने पड़ते हैं कि कंपनी क्या हो, वेल्थ मैक्सिमाइज हो, ठीक है। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का एक उल्टा कॉन्सेप्ट होता है, बिल्कुल अपोजिट कॉन्सेप्ट होता है, कौन सा, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ठीक है, वो मैक्सिमाइजेशन, प्रॉफिट मतलब लाभ। पहले क्या लोग सोचते थे, कंपनी सोचती थी कि कंपनी का केवल क्या होना चाहिए, जो फायदा है वो देखना चाहिए, कंपनी का फायदा किसमें हो रहा है वो देखो बस केवल। लेकिन अब ऐसा नहीं होता,
अब जो कंपनी का जो पर्सपेक्टिव है, जो सोचने का नजरिया है, वो बढ़ चुका है। अब कंपनी क्या देखती है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। दोनों में क्या डिफरेंस होता है, वेल्थ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में कंपनी क्या देख रही है कि खुद का प्रॉफिट कितना है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में किसकी तरफ से सोच रहे हैं अपन, शेयरहोल्डर की तरफ से। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में किसकी तरफ से सोच रहे हैं, शेयरहोल्डर की तरफ से, और ना केवल शेयरहोल्डर, अपन पूरे के पूरे स्टेक होल्डर्स की तरफ से सोच रहे हैं। स्टेक होल्डर कौन कौन होते हैं, जिनका कंपनी से कोई ना कोई लिंक होता है, जैसे कंपनी के एम्प्लॉइज, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट भी तो कंपनी से टैक्स लेती है, ठीक है, कंपनी के एम्प्लॉय कंपनी में वर्क करते हैं, जॉब करते हैं, ठीक है, और कस्टमर्स कंपनी के, जो कंपनी का प्रोडक्ट यूज करते हैं, तो ये सब कौन कहलाते हैं, स्टेक होल्डर्स। तो कंपनी अगर इन सबके बारे में सोचती है तो उसे क्या बोलते हैं, वेल्थ का मैक्सिमाइजेशन कर रही है। लेकिन अगर कंपनी खुद के बारे में सोचती है तो उसे क्या बोलते हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कर रही है। जैसे दोनों में से बताओ लॉन्ग टर्म कॉन्सेप्ट कौन सा है या शॉर्ट टर्म कौन सा है। शॉर्ट टर्म है कंपनी के लिए प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। अगर कंपनी लॉन्ग टर्म सोचती है ना, दीर्घकालीन अगर कंपनी सोच रखेगी, लॉन्ग टर्म को हिंदी में दीर्घकालीन बोलते हैं, तो फिर कंपनी किस पे जाएगी, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन पे, ठीक है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, विजय माल्या ने क्या किया, बैंकों का पैसा नहीं दिया, ठीक है, बैंकों का लोन नहीं दिया, तो विजय माल्या ने सोचा अगर मैं बैंकों का लोन नहीं दूंगा तो मुझे फायदा होगा इससे, ठीक है। लेकिन उसने खुद के पर्सनल बेनिफिट के लिए क्या किया, खुद का शॉर्ट टर्म बेनिफिट के लिए खुद का लॉन्ग टर्म नुकसान कर लिया। अब वो क्या हुआ, अब वो इंडिया से चले गए हैं या भागना पड़ गया उनको इंडिया से, अब वो कभी दोबारा इंडिया में आ नहीं सकते, ठीक है, और आएंगे तो आपको पता ही है फिर गवर्नमेंट उनको भी नहीं छोड़ेगी। फिर दूसरी बात कि उनके कितने सारे एम्प्लॉयज का नुकसान हुआ उनका ऐसा डिसीजन लेने पे। किंगफिशर जो कंपनी थी, एयरलाइंस थी, उनको कई महीनों से सैलरी नहीं मिली एम्प्लॉयज को, वहां पे जो काम कर रहे थे, जो किंगफिशर एयरलाइंस के एम्प्लॉयज थे, उन्होंने बढ़िया सा एक लेटर लिख के भेजा था विजय माल्या को, जब वो विजय माल्या जब उनको सैलरी नहीं पे कर रहे थे 8-9 महीने से लगातार, ठीक है, उसके बाद फिर वो भागे थे। तो विजय माल्या की सोच क्या थी, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की, ना कि किसकी, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन की। तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में क्या क्या एस्पेक्ट कवर होते हैं, कंपनी सोचती है कि मुझे क्या करना चाहिए, कस्टमर को क्वालिटी प्रोडक्ट देने चाहिए, कस्टमर को क्वालिटी प्रोडक्ट देने चाहिए सही रेट पे, सही रेट पे, ऐसा नहीं बहुत सारे रेट चार्ज करने चाहिए। कंपनी क्या सोचती है, मुझे गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, टैक्सेस रेगुलरली पे करने चाहिए। आपको वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में सारे पॉइंट लिखने हैं ये, ठीक है ना, ध्यान रखना। कंपनी सोचती है कि मुझे गवर्नमेंट को टैक्सेस रेगुलरली पे करने चाहिए बिना कोई चोरी के। आपको पता है कि बहुत सारे जो इंडिया में लोग हैं वो टैक्स को बहुत कम पे करते हैं, ठीक है, 100 रुपए की टैक्स जो होते हैं उसको पे करते हैं 10 रुपए का, ठीक है। और फिर कंपनी जिनसे लोन लेती है, फाइनेंस लेती है, कंपनी को उनको क्या करना चाहिए, उसको टाइम पे रीपे करना चाहिए, चुकाना चाहिए। ये सब कॉन्सेप्ट किसमें कवर है, ये सब एस्पेक्ट कवर होते हैं वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के अंदर। और कंपनी क्या डिसीजन लेगी इसके अंदर, कंपनी हमेशा लॉन्ग टर्म की सोचेगी, कंपनी कभी भी शॉर्ट टर्म की नहीं सोचेगी। कंपनी ये तीनों के तीनों जो डिसीजंस हैं वो किस तरीके से लेगी, कि कंपनी का क्या होना चाहिए, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ना कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ठीक है। तो ये है इसके अंदर मेन बात, तो आपको समझ में आ गया होगा। तीनों डिसीजन याद रखना, और ये याद रखना कि कंपनी वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के अंदर लॉन्ग टर्म सोच रख रही है, ना कि शॉर्ट टर्म सोच रख रही है। मैं आपको और एग्जाम्पल दे सकता हूं, आपने कभी सुना होगा कि एक कॉन्सेप्ट होता है ग्रोथ और एक होता है डेवलपमेंट, ठीक है, कभी आपने शायद इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा इसको, अपने आरएएस में आता है इकोनॉमिक्स के अंदर ये कॉन्सेप्ट, ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों में क्या फर्क होता है। इंडिया की ग्रोथ रेट कितनी है आपको पता होगा, 7% से ज्यादा है ग्रोथ रेट, है ना, कई बार इसे लोग जीडीपी कहते हैं, लेकिन जीडीपी अलग होती है, ग्रोथ रेट अलग होती है। तो ग्रोथ रेट इंडिया की कितनी है, 7% से ज्यादा। अगर जीडीपी देखा जाए तो जीडीपी कितनी है, ये जीडीपी नहीं होती, ध्यान रखना, जीडीपी है ये 2.5 ट्रिलियन डॉलर, ठीक है, एक ट्रिलियन में कितना होता है, 1,00,000 करोड़। तो मैं इसको अगर खोलू अमाउंट को कितना हो जाएगा, ये 2.5 लाख करोड़, 2.5 लाख करोड़ डॉलर, ये इंडिया की जीडीपी है।
अगर इसको और खोले तो इसको मल्टीप्लाई कर दो आप कितने से, 72 के आसपास जो डॉलर की रेट है, 72-73 उससे मल्टीप्लाई कर दो तो आपको पता लगेगा इंडिया की जीडीपी कितनी है। तो ग्रोथ रेट कितनी है, 7% से ज्यादा। इंडिया में ग्रोथ रेट, इंडिया की जो ग्रोथ रेट है बताओ वो सबसे बढ़िया है या नहीं है? बहुत बढ़िया है। वर्ल्ड के अंदर अपन बहुत सारे देशों से लगभग सारे देशों से आगे हैं, ठीक है ना। ग्रोथ रेट शायद चाइना की भी इतनी नहीं है जितनी इंडिया की है फास्टेस्ट के अंदर, या चाइना की बराबर होगी इंडिया के। लेकिन डेवलपमेंट की बात करो, क्या इस ग्रोथ रेट से इंडिया में डेवलपमेंट हो रहा है क्या जितना होना चाहिए? नहीं हो रहा। इंडिया के अंदर बहुत अभी अनएम्प्लॉयमेंट है, जो हेल्थ है लोगों की, एजुकेशन सेक्टर है वो इतना स्ट्रांग नहीं है, बहुत सारे लोग इलिटरेट है इंडिया में, पढ़े लिखे कम हैं, ठीक है। तो लेकिन हमारे यहाँ पे ग्रोथ रेट है क्या? बिल्कुल है। लेकिन कई बार हम लोग कहते हैं ना जॉबलेस ग्रोथ रेट है, ऐसा क्यों हो रहा है बताओ? कि ग्रोथ तो हो रही है लेकिन डेवलपमेंट नहीं हो रहा लोगों का, कि ग्रोथ तो हो रही है लेकिन लोगों का विकास नहीं हो पा रहा। ये इसका रीजन ये है कि जो ग्रोथ है वो केवल कुछ लोगों की हो रही है। इंडिया में क्या पड़ रही है? इन इक्वालिटी कंटिन्यूसली। ये सब आप अपने मेंस में लिख सकते हो आंसर्स के अंदर। इंडिया में क्या पड़ रही है कंटिन्यूसली? इन इक्वालिटी। मतलब अगर आपने रिपोर्ट पढ़ी हो लास्ट वाली, ऑक्सफॉर्म की रिपोर्ट थी, 1% जो लोग हैं इंडिया के अंदर वो 73% वेल्थ लेके बैठे हैं। सोच रहे हो आप, 1% लोग 73% वेल्थ लेके बैठे हैं। अब अगर ऐसा होगा तो फिर यहां पे ग्रोथ तो हो रही है लेकिन ग्रोथ केवल बहुत ही कम लोगों की हो रही है, बाकी सब लोग तो बेचारे ग्रोथ से एक्सक्लूड हो गए ना। तभी तो फिर गवर्नमेंट कहती है कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन ये हो नहीं रहा रियल में ना, सबका साथ सबका विकास। तो तभी अपन कहते हैं कई बार कि डेवलपमेंट कैसा होना चाहिए? इंक्लूसिव। आपने देखा होगा ना कई बार गवर्नमेंट कहती है कि डेवलपमेंट कैसा होना चाहिए? इंक्लूसिव, ठीक है, या अंत्योदय, क्या बोलते हैं इसको अपन, अंत्योदय। अंत्योदय मतलब कि जो लाइन में खड़ा हुआ लास्ट व्यक्ति है उसके पास भी क्या होना चाहिए, इस ग्रोथ का कुछ जो फल है वो पहुंचना चाहिए, ठीक है। लेकिन वो अपन नहीं देख पा रहे फिलहाल, लेकिन अपन को तो एग्जाम में समझना है तो आपको मेरे हिसाब से समझ में आ गई होगी। तो ग्रोथ एक तरीके से क्या है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, जो मैंने यहाँ पे लिख रखा था वो होता है। लेकिन डेवलपमेंट किसका कॉन्सेप्ट है? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का, ठीक है, सबका साथ सबका विकास। तो गवर्नमेंट को क्या सोचना, मतलब कंपनी को भी क्या सोचना चाहिए? डेवलपमेंट मतलब वेल्थ मैक्सिमाइजेशन की तरफ, सारे के सारे लोगों को साथ लेके चले, ना कि केवल खुद का प्रॉफिट देखे, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना, ठीक है, सब्सक्राइब भी करना, और फिर अपन इसके बाद नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।